नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया से राजकुमार सिंह की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। बलिया पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर एक स्विफ्ट डिजायर कार से करीब 56 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत मार्केट में करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर क्या कुछ कहना है स्थानीय पुलिस प्रशासन का, आइए सुनते हैं। बीस नवम्बर 2019 को सुबह कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच बिहार की तरफ से पुल पार करके एक सफेद रंग की डिजायर आई, जिसको रोक के तलाशी ली गई, तो उसमें 56 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। इसको चलाने वाला एक व्यक्ति मोहम्मद इरफान, निवासी भोजपुर, थाना डुमराव, बक्सर को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार होने में सफल रहा। सरगर्मी से उसकी तलाश की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में ये गांजा कहां से आ रहा है और कहां को ये सप्लाई हो रहा था।